मेरी बहन सुसाइड करने जा रही है। नहीं बहन, ये मैं आपको रिवील कर दूंगा। तो आप बता रहा S23 अल्ट्रा दीदी। गाइस वेलकम टू माय YouTube चैनल शिवांग हाईफाई ब्लॉग। तो गाइस YouTube गाइस आज हम जा रहे हैं बड़ी दूर, वो आपको हम रास्ते में बताएंगे, आपको रास्ते में रिवील करेंगे हम कहाँ जा रहे हैं घूमने फिरने। और ये देखो, तो गाइस फटाफट निकलते हैं। और कितनी गंदी शक्ल आ गई यार इतने दिन के बाद, देख रहे हो ब्लॉग में। और इतने दिन के बाद ब्लॉग में आ रहा हूँ, ये नहीं मैंने बताया गाइस मैंने ना एक नया फोन लिया S23 अल्ट्रा, ये मैंने रिवील नहीं किया था, ये मैं आपको रिवील कर दूंगा। तो आप बता रहा S23 अल्ट्रा दीदी की शक्ल से सुंदर है यार ये S23 अल्ट्रा ना। थैंक यू गाइस। तो हम निकल रहे हैं, अभी खप डाल रहे हैं, फटाफट निकलते हैं अपनी गाड़ी में और मिलते हैं आपको रास्ते में। कहाँ जा रहे हैं ये बताइए आपको। लते मार रहा है, लते मार रहा है। नहीं दीदी तेरे डिक्की नहीं खुली है, ये थोड़ी होता है डिक्की है नीचे बटन। और मम्मा गाइस बताओ मम्मा कैसी लग रही है। मम्मा हाय हाय कर दो हमारी फैमिली को। ये देखो बाहू रे बाहू बली। तो गाइस हम ये देखो देखो ये भाभी ये हमारा बबुआ आ गया। अरे ओ बबुआ क्यों शर्मा रहा है तू कैमरे के आगे। अपने टब्बर की फिक्र करो। उन्होंने क्या खाया दे मम्मी। तो गाइस हमारे साथ देखो हमारी गाड़ी में कौन कौन बैठा है। भाभी जी सही पकड़े हैं, मम्मा जी गलत पकड़े हैं। मम्मा को क्या ड्रेस लाया आपने बताना। गाइस मैंने स्टार्टिंग में डाली है वीडियो, देखना मम्मी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये सोचते हैं कि हमने पर्पल डाला मम्मी को पर्पल डाल के मम्मी सोनी लगी है। कौन सा डाला आपने, मैरून डाला है, मिक्स कलर मल्टी कलर। चलो गाइस फटाफट निकलते हैं, पूछते हैं आपको सफर का भी मजा करवाते हैं। आज शायद हम बड़ी दूर जा रहे हैं, कुछ ज्यादा ही दूर, आपको भी पता लग जाएगा इस ब्लॉग में। तो आज काफी टाइम के मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और मेरा एक ब्लॉग बड़ा पेंडिंग पे पड़ा हुआ है, वो आपको बताऊंगा। जगराते वाला ब्लॉग था मेरा, वो मेरा पेंडिंग पे पड़ा है, मैंने वो भी बड़े बना दिया हुआ है। लगभग मेरा 30-40% कंप्लीट है, तो वो भी आज सोच रहा हूँ कंप्लीट करके वो भी डाल ही दूंगा गाइस। तो अगर ये ब्लॉग पहले आ गया तो उस ब्लॉग को बाद में जाके जरूर देखिएगा। तो चलो मिलते हैं, अब हम रोड से पहुँच गए, चलान बहुत होते हैं आजकल। गलियाँ हमारी जम्मू शहर, काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ जम्मू में। तो दीदी ऐसे तो मैं चंडीगढ़ ही बना रहा था ब्लॉग है ना, तो अब मैं फटाफट निकल रहे हैं, हम रिवील करेंगे जगह आपको वहाँ पहुँच के, और थोड़ा फोटो शूट भी चलेगा हमारा। बाकी बढ़ चुके हैं और आपको पता ही है गाइस मेरा हेडफोन कर रहा है यार इस मोटी की वजह से। नहीं फोन चार्ज लगाया था इसने, मैंने सोचा मैं अपना भी लगा लेता हूँ, एयरपोर्ट पॉट लगाया चार्ज पे उधर ही रह गया, हद हो गई यार क्या करूँ। चलो अब निकल रहे हैं फटाफट, पहुँचते हैं सीधा नेशनल फ्लाईओवर सिद्रा रोड। बाकी रोड जब देखोगे आप लोगों को पता लग ही जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं। देखो ये पहली वीडियो ऑन करने से पहले ही बच्चों से गिर रही है इनकी।
अभी हम यहाँ पीएंगे दारू शारू पैकेट पैक चिकन मुर्गा देसी पटके डूबे हम चले डूबने हम चले डूबने चलो गाने गाओ सारे पीके आता तुझे भी नहीं है और गा रहा गाना चलो थोड़ा डूबे डूबे इस पर्पल कलर में डूबे बगजोती कलर में डूबे तो ये देखो गाइस इस फोन से बनाती वीडियो S23 अल्ट्रा से आईफोन वाईफोन फेल हो गया सारे अब कुत्ते की हड्डी इससे बनाऊंगी किसकी कुत्ते की हड्डी कुत्ते कुत्ते गाइस देखा शो ऑफ कर रही है 14 प्रो मैक्स के बाद शो ऑफ कर रही है तूने भी तो किया है गाड़ी का बोल दिया कर रही कि नहीं देखा पिएगा फोन में मुक्त है फोन की गाड़ी का मजा मजा करते करते सूरज देवता भी हमारे पख के चुके हैं और मौसम तो गाड़ी चल रही है तो गर्मी लग नहीं रही है जब वहाँ पहुंचेंगे पता लगेगा गर्मी में और मोल कैसा है वहाँ का पानी के लग नहीं होती गर्मी तो आप समझ ही गए हो मैं कहाँ जा रहा हूँ मम्मी ने हिंट दे दिया है पानी के लगे गर्मी नहीं होती तो आप रोड अगर आप पहचान सकते हो तो इस ब्लॉग में बता देना कमेंट सेक्शन में पहले ही कि हम कहाँ जा रहे हैं तो बाकी जो हमारे शरारू ब्लॉगर हैं उनको तो पता ही होगा तो आप सफर का मजा लीजिए हमारे साथ थोड़ा सा ये है बड़े ये बताना गंदी शक्ल कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में क्या दे रहे कमेंट मम्मी बहुत सुंदर लग रही है दीदी बड़ी गंदी लग रही है दीदी अच्छा वो बाबी कुदर गई बाबी सही गाइस ये देखो मशरे हुए हमारे दो शरालू ये कॉपीराइट बजे ना अगर इन पे पर्चा लगा ना और आप मुझे बता देना क्या लोकेशन है ये ठीक है नहीं ये लोग तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे ना हमें तो पता ही हम आए जहाँ हमें तो घर से पता है मुर्गी मुर्गी खाते खाते देसी मुर्गी अकड़ अकड़ सब कैट हुए मैं जो अच्छा ये देखो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं स्विंसर लेक फाइनली मैं रिवील करता हूँ जगह आप देख रहे हो कैसे बैठ चुकी है शाम को होगा रश अभी लोग आएंगे यहाँ पे और जगह आप देख रहे हो गाइस बैठ चुकी है पानी की वजह से मेरे को आने वाले टाइम में ना यहाँ पे गाड़ी आना बंद हो जाएंगी जिस हिसाब से जगह बैठ गई देखना कैसे बैठ गई है तो बाकी यहाँ पे आपको दिखता ही है लास्ट टाइम मछली मर गई थी तब हमें पता लगा था वो बहुत पुराना ब्लॉग है मेरा देखने ना मैं डाल दूंगा छोटा सा वीडियो अगर मुझे मिला तो अभी हम फाइनली इस लोकेशन में पहुंच चुके हैं और यहाँ पे दुकानें सुकानें सब खुल गई हैं मेरे हिसाब से और लोग लगभग आ ही चुके हैं मेरे हिसाब से ओए गाइस आप रोड क्या देख रहे हो गवर्नमेंट को थोड़ा यहाँ पे मेंटेनेंस करनी चाहिए तो गाइस हम फाइनली पहुंच चुके हैं कितने लोग यहाँ पे आटा डाल रहे हैं देखो आप तो गाइस दीदी दही मारने वाली है अभी नहीं बहन नहीं 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 बहन नहीं
मेरी बहन सुसाइड करने जा रही है। नहीं बहन, ये बकचोदी मत पेल, तेरे दो बच्चे हैं पीछे। हैं बहन, गाइस ये देखो दीदी टट्टी करने वाली बैठ गया। चलो ये आओ आओ भाभी, उतरो मारो जंप। तू जा है मछलियां, जा जा शिवांग। जा रहा हूं में बताओ, सोनी लग रही है? नहीं वहां है नहीं सोनी। तो गाइस ये देखो, ये दो शरारू भी आटा डालना शुरू किए हैं। यहाँ पे भी मछलियां हैं बहुत सारी, और हाँ थोड़ी थोड़ी है मछली। मछली जल की रानी है, आटा इनका खाना है। आटा नहीं खाती होंगी फिर, खा नहीं रही है। बुड्ढे ने इसलिए तो हमें भेज दिया है, राम ज्यादा बुड्ढा। मोटी का, ये मोटी का टैटू देखो कैसा है। मोटी ये हमारे देवते हैं गाइस। तो अभी हम आटा डालते हैं, मम्मी गुस्सा कर रही है, तो मिलते हैं आपको। तो हमारे शरारू वीडियो बना रहे हैं, आप देख सकते हो। मम्मी ठंड है इधर, देखना मम्मी ठंड लग गई थी, हद हो गई। सो गाइस कमजोर है माता, इन्हें खिलाना चाहिए ना। लोग पता क्या करते थे, घर लोगों ने कोठियां नहीं बड़ी बड़ी बनाई दी, तो इतने गौ माता की कोई सेवा नहीं करता। दिखूंगा कि कमजोर गौ माता, मोटर कहने लोगों को अपना ही पता है। खाली घर ने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली लोगों ने, बट ये नहीं गांव कोई फुलका फुलका गांव पा दे, कौन नहीं पाता यार। तो गाइस थोड़ी सोशल सर्विस भी होनी चाहिए साथ साथ, ब्लॉगिंग के साथ साथ। तो ये दो जामुन, ओ जामुन, एक लाइट जामुन एक डार्क जामुन, एक खट्टा जामुन एक मीठा जामुन। खट्टा जामुन एक मीठा जामुन। आप आप वो देखो, इधर मछलियां बहुत ज्यादा थी, दीदी ने मेरी बात नहीं मानी थी उस टाइम। तो पनीर के पकौड़े आगे फ्राई होते हैं ना, चाट मसाला डालना बहन भाई डाइटिंग पे। चीट डे, डेली चीट ही होता है, सवेरे तो पूरी खाती। भाभी तो कह रहे मैं अपनी फील्ड में हूँ, मैं मैगी खानी, कोल्ड ड्रिंक मुझे मिल चुकी है, दुनियादारी से बैठ हुए। और भाभी ने फिर गाड़ी में मैगी निकाली है। हाँ ये देखो स्ट्रिंग पी रही है, चीट डे, इतनी चीट कर रही है कि सुबह पूरी है, अभी स्ट्रिंग उसके बाद इसके पकौड़े आएंगे। क्या क्या गाइस कमेंट से, ट्रेडमिल से कभी लूज हुआ वेट? जो कैलोरीज बर्न होती है, जो मैं एक्स्ट्रा कैलोरीज लेते हैं, मैं ले रही हूँ ना एक्स्ट्रा कैलोरीज, वो कल बर्न हो जाएगी, समझ आई? कोई मतलब नहीं, कहाँ आया कहाँ आया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैगी आए मेरी बात खत्म, कितनी गंदी शक्ल है, देखा था आपको, मेरे पीछे दिखाऊंगा वो छोटी सी मैंने वीडियो। हाँ ये बस पक्का कोई चीज लेनी होगी मम्मी से, प्यार है सारा, मतलब ही तू ही है और नहीं है। हाँ वैनचोद मतलब मैं ही हूँ, हाँ चूतिया भी मैं ही हूँ, जी स्वैग भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। नहीं आप लोग चाहते क्या हो मुझे ये बता दो बस, चाहते हैं कि तुम हमारे जैसा बन, मतलब ये देखो ये दीदी का 1.5 लाख का फोन, सॉरी भाभी का, ये देखो पैसे देख रहे हो, जे में 8 डालती 200 निकला। ये देखो 14 प्रो मैक्स, ये देखो अमीर लोग रिच पीपल, हम बैंड 11 प्रो मैक्स में वीडियो बना रहे थे, बड़ी मम्मी ने दी, नहीं नहीं भाई को दान दे दे इसे, 15 प्रो मैक्स लेके जो एक्सचेंज किया वो नहीं इसको पता चला। कौन सा बोलो, पापा ने बाय किया है, हां वो पापा ने बाय किया ना, वो पापा का ही है ना, उनको उस पे तो नजर मत रखो। बाय पापा ने किया राम, अरे उस पे उसमें, अरे अरे उस पे नजर तो रखो ना तुम लोग, तुम तो छोड़ दो, हम पापा को बर्थडे गिफ्ट देते हैं 15 प्रो मैक्स, चलो मम्मी लेने। हां
तो दे दिया ना दे। मैंने बोला पापा का बर्थडे हो गया, अब क्या करना, दे गए, हो गया नहीं नहीं देना है। देखा बातें सुन रहे हो इनकी आप गाइस, बाकी मैं था ना बेड शेड कटवा लेनी बड़ी जल्दी, कमिंग सून। तो बाकी कोई यस मेरा सलून, मेरे जो भैया सलून वाले उनकी मम्मा की डेथ होगी, उसकी वजह से वो 13-14 दिन नहीं खोलेंगे सलून मेरे हिसाब से। जब भी खोलेगा तभी कटाऊंगा ना आप। तो बाकी भाई कैसा लग रहा है मुझे बता देना कमेंट में, बड़े बुरा हाल हो गया, गर्मी बहुत है, पसीना आ जा रहा है। तो फटाफट कुछ खाते जैसे आते कुछ, और ये आप आए वहाँ पे खजूरिया फास्ट फूड जहाँ पे लास्ट टाइम आए थे, दो बार यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, तीसरी बार दोबारा विजिट कर रहे हैं, तीसरी बार चौथी बार विजिट कर रहे हैं इनके पास। तो फटाफट खाते हैं, पहली बार शनिंदु भाई के साथ आया था, सेकंड फिर दोस्तों के साथ आया था, थर्ड फिर इनके साथ आया, चौथा फिर एक बार दोस्तों के साथ आया था। तो भाई बहुत अच्छा विजिट है, हम खाते पीते निकलते हैं और फिर आपको मिलते हैं। हम फिर से आगे खजूरिया फास्ट फूड, हर बार की तरह हमें वही भैया मिल गए हैं और यहाँ फैमिली बैठी है अपनी, और आप देखते हो तो खजूरिया फास्ट फूड बैठे हुए, एक पाँच वाला एक देशी वाला भाई, ये बिल बनवा रहे हैं यहाँ पे शराल, 350 रुपये का बिल बना हमारा, आप देख सकते हो। आप दे दो, तो आप देख सकते हो दोबारा से हम खजूरिया फास्ट फूड, आपको लास्ट टाइम में लोकेशन दी थी सिंसर रोड पे, आप भैया के पास और लोकेशन पे, और यहाँ पे लोकेशन बहुत अच्छी है, सामने लिखा है खजूरिया फास्ट फूड रेस्टोरेंट एंड सिंसर, बहुत अच्छी बात है। चल रहा है फोटोशूट और हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं खत्म। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल शिवांग हाईफाई ब्लॉग। तो एक छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा मिनी ब्लॉग होने वाला है, और प्लीज़ ऐसा प्यार बरसाओ, और हम डेली ऐसी अच्छी चीज़ें लगाते रहेंगे। और धूप इतनी तेज है ना, मेरी आंखें नहीं खुल रही कसम से, मैं क्या बताऊँ आपको। तो अब यही है कि अब रूटीन में ब्लॉग आए करेंगे मेरे, तो मिलते हैं। और प्लीज़ मेरे जो जगराते वाला ब्लॉग है वो भी मैं डाल दूंगा, थोड़ा लेट आएगा एक दो दिन, बट डाल दूंगा जरूर, आप वो भी जाके देखिएगा जैसे ही ब्लॉग आ जाएगा चैनल पे। तो बंद चलते हैं और फटाफट मिलते हैं आपको बड़ी जल्दी नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट ब्लॉग।